Shamu? Oh, Shamu! जी मालिक। देखो रात के 3 बज रहे हैं, राज अभी तक घर नहीं लौटा। जब वो आए तो तुम उसे खाना खिला देना। जी मालिक। आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। प्लीज सर, मुझे बचा लीजिए। अबे ओ गटर के ढकनों, तुम लोगों का शर्म नहीं आती? अकेली पोटी को देख के छेड़ रहे क्या? हमारे रास्ते से हट जाए इंस्पेक्टर, तू हमें नहीं जानता। अरे रे रे रे, एक मिनट, मैं तुम लोगा की 7 पुश्तों का जानता रे बाबा, लेकिन तुम लोग शायद मेरे को नक्कू जानते। मेरा नाम है हिम्मत हैदराबादी और तुम जैसे गुंडों की मैं करता बर्बादी। अभी तुम लोग अगर 10 सेकंड में इधर से नक्को गए तो मैं तुम लोगों को इतना धोऊंगा कि जिंदगी भर तुम लोगों को नहाने की जरूरत नक्को पड़ेगी। हाउ? अबे तू क्या धोएगा हमें? क्या बोला? अबे तू क्या धोएगा? ये मुंबई का कचरा साफ करना म्युनिसिपल का काम है बाबा, कमाल है, मेरे को करना पड़ रहा है। हेलो विक्रम, यो हेलो, हू स्पीकिंग? ये अंग्रेज डोलियां लेके बोलियां छोड़ गए, अंग्रेजी बोल के मेरे को डराता। मैं समझा नहीं। अपनी समझदारी के दरवाजे खोल, नहीं तो मेरे को बोल, मैं खोलता। मेरे को पहचाना नहीं? मेरा नाम है हिम्मत हैदराबादी। हाउ? ओ हिम्मत भाई, कैसे आप? मैं तो बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम अपने दुशासन को समझाओ कि भी सड़क में द्रौपदियों की साड़ी खींचना बंद कर, नहीं तो मैं उसका हाथ पांव तोड़ को सिग्नल पर बैठाता। क्या मतलब? तुम कहीं राज की बात तो नहीं कर रहे हो? कहाँ है वो? मैं उसको अंदर कर दिया, कल को केस फाइल करके उसको कोर्ट में पेश कर दूंगा। हिम्मत भाई, मैं तो तंग आ गया हूँ राज की इन हरकतों से। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। उसे समझाने से कुछ नहीं होने वाला, उसको डंडे की जरूरत है, डंडा। तुम्हारा भाई इस वास्ते मैं छोड़ता, लेकिन नेक्स्ट टाइम नक्को छोड़ू उसको। हाउ? ठीक है हिम्मत भाई, एनीवे थैंक यू वेरी मच, बाय। तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आ रही है मुझे? आज तुमने वो हरकत की है कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है। सॉरी भैया, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम्हारी इस गलती से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है जानते हो? अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा मैं। मैं जानता हूं भैया कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, और अब तो तुम शराब भी पीने लगे हो। कल उठ के ड्रग्स भी लेना, जुआ भी खेलना, जब तक तुम उन दोस्तों का साथ नहीं छोड़ोगे तुम नहीं सुधर सकते। 3-3 बार फेल हो चुके हैं वो लोग, आवाराओं की तरह घूमते फिरते हैं। तुम उन दोस्तों का साथ बिल्कुल छोड़ दोगे, समझे? कितने लार प्यार से पाला है मैंने तुम्हें, तुम्हारी हर छोटी बड़ी जिद को पूरा किया है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी, और आज तुमने वो हरकत की है कि मैं शर्म से डूबा जा रहा हूं। भैया, अब कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे आपकी नजरें नीची हों। हेलो, विक्रम सिंह स्पीकिंग, आप कौन? हाँ, मैं कपूर बोल रहा हूँ। ओहो कपूर भाई, बहुत दिनों के बाद याद किया। अमेरिका जाकर तो तुम बिल्कुल ही भूल गए। तुझे कैसे भूल सकता हूँ यार, तू तो मेरा बचपन का यार है। हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई, क्या नाम था उसका? हाँ राज, वो कैसा है? पढ़ रहा है, रईस ज्यादा है ना, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मौज मस्ती ऐशो आराम। भाई मैंने उसे भाई की तरह नहीं बेटे की तरह पाला है। अच्छा तुम ये बताओ, पिंकी बेटी कैसी है? विक्रम क्या बताओ तुम्हें यार, मेरी बेटी को इतनी गंदी आदतें लगी है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात रात भर यावा घूमती है, पार्टी में जाती है, और जो नशे में धुत होकर घर में आती है। मैं तो बहुत परेशान हो गया, अब तू बता मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, उसे मेरे पास भेज दो, उसे मैं यहां कंट्रोल में रखूंगा।
यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता सिखाऊंगा उसे। तो ठीक है, एक दो दिन के अंदर ही मैं उसे हिंदुस्तान भेजने की तैयारी करता हूँ। ओके, गुड डे। राज, पिंकी, या कमाल है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो और तुम भी तो पूरे जवान हो गए हो। कम ऑन भाई राज, कम ऑन, वी आर लेट। ओहो, अरे पिंकी बेटी, तुम आ गई। हेलो अंकल, दरवाजे पर खड़ी खड़ी बात करोगी, अंदर भी आओगी। अरे भाई शामू, पिंकी बेटी का सामान अंदर ले आओ, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन। ए बसंती, तू बिल्कुल सही वक्त पर आई, मेरे को बहुत जोरा की भूख लगी थी रे। खाओ साहब खाओ, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बना कर लाई हूँ। आए मैं मर जाऊँ रे। ये क्या, ये रोटियाँ तो जली हुई रे, इसकी शक्ला देखो, मेरी भूख तो मर गई रे। शक्ला मत देखो साहब, खा के देखो। अच्छा। लगता है कि रोटी में घी को ज्यादा ही डाल दिया है। घी नहीं डाला साहब, वो ना रोटियां थोड़ी जल गई थी तो मैंने बर्नौल लगा दिया। बर्नौल? अरे आदमी जलता तो बर्नौल लगाता, अरे रोटी जली तो इसमें बर्नौल लगा दिया रे। देखो साहब, खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मैं चली, मेरे को और भी काम करने हैं। ए बसंती, तू कल आएंगी ना? नहीं आएगी। बसंती, you know, she's a totally westernized girl, एकदम मॉडर्न है। हेलो अंकल। आओ बेटी आओ। देखो बेटी, ये तुम्हारी टीचर है। हेलो। ये आज से तुम्हें यहाँ का पहनावा, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का अदब तहजीब सब सिखाएंगी। ओके। और एक बात का ध्यान रखना, ये सब सीखते वक्त तुम इन्हें परेशान बिल्कुल नहीं करोगी। ठीक है अंकल। पिंकी, पिंकी। यस मैम। आज मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। तुम अपने ये कपड़े उतारो और ब्लाउज पेटीकोट पहनकर साड़ी पहनना सीखो। ठीक है। कपड़े बाथरूम में जाकर चेंज करो। ओके मैम। Singer, I am a pop singer, singer, I am a pop singer, singer. Yaro karo dance, karo dance, karo dance. Acha hai ye chance, hai ye chance, hai ye chance. Hey me ho romance, ho romance, ho romance. Nikal na jaaye kahin mauka hasi. Jhumo aaya pop singer, singer. Nachane aaya pop singer, singer. Hey, turta papa. I am a pop singer, singer. I am a pop singer, singer. I am a pop singer, singer. I am a pop singer, yeah. Geet mera tujhko pukare, pukare. I come for you, for you, for you. I will touch your heart, your heart, your heart. Nikal na jaaye kahin mauka hasi. Well, I've been a pop singer, singer. So I wish a pop singer, singer. Hey, 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 hey. I'm a pop singer, singer. 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 Yeah, he's a pop singer, singer. He is a pop singer, singer. He is a pop singer, singer. He is a pop singer, singer. इसको क्या हुआ? राज को क्या हुआ? चला तो क्या सोच रहे हैं राज? मैं सोच में नहीं, किसी हुस्न के परी के ख्यालों में खोया हूँ। हाय, क्या खूबसूरत बला है वो, संगे मरमर का ताजमहल है वो, अजंता की जीती जागती मूरत है वो। ऐसी बात है, इतनी हसीन है वो? हाँ मेरे यारों, कुदरत के हाथों का कमाल है वो,
क्या हुस्न है उसका? हुस्न? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? अरे पर कहाँ है वो? वो हुस्न मुजस्सिम मेरे घर में। तेरे घर में? हाँ, मेरे भैया के दोस्त की लड़की है जो अभी अभी अमेरिका से आई है। पिंकी नाम है उसका। यारो, मैं उसे दिलो जान से प्यार करने लगा हूं, लेकिन क्या करूं, भैया की वजह से खुल के प्यार ही नहीं कर सकता। दिल मचलता है मगर रह जाता हूं, आग लगती है मगर सह जाता हूं। ए बिड़ू, अब उनको नहीं मिलाएंगे क्या उससे? यार मिलाऊंगा मिलाऊंगा यारो, थोड़ा सब्र तो करो। तो एक काम करते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं और साथ ले चलते हैं उसे। हाँ, और उससे हम सब की मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे भी अमेरिका से आई है वो, और उसकी तबरी भी हो जाएगी राज, और तेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, फिर भी यार मैं चलता हूँ। चल रामू, देखो दरवाजे पे कौन है। आप फिर आ गए इंस्पेक्टर, मैंने आपको कल सब कुछ बता तो दिया था। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मेरा यहां आना जरूरी है। आज बैठने के लिए नहीं कहेंगे? बैठिए। थैंक यू मिस्टर विक्रम, आज मैं आपसे कुछ सवालात करने आया हूं। मुझसे? जी हां, आपसे। पूछिए। ये विजिटिंग कार्ड आपका है? जी हाँ, मगर ये कार्ड आपको कहां से मिला? ये कार्ड मुझे एक लड़की की लाश के पास से मिला है। तो इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ये कार्ड उस लाश तक कैसे पहुंचा। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेस के सिलसिले में मैं ये कार्ड न जाने किन किन लोगों को देता हूं। अब ये कार्ड उस लाश के पास कैसे पहुंचा, ये मैं कैसे बता सकता हूं? आप अब ये कहना तो नहीं चाहते कि वो कत्ल मैंने किया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कत्ल आपने किया है, लेकिन जब उस लाश के पास से आपका विजिटिंग कार्ड मिला है तो इस केस की जांच की शुरुआत भी आपके घर से ही होगी। आप कल हॉस्पिटल आ सकते हैं लाश की शिनाख्त करने के लिए, ताकि उसकी पहचान हो सके। जब मैं उसे जानता ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? आपका आना बहुत जरूरी है। मेरे पास वक्त नहीं है। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कि ये कत्ल आपकी जानकारी में हुआ हो। देखिए इंस्पेक्टर, आप जरा तमीज से बात करिए, आप ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ लाश को पहचानने के लिए कह रहा हूं, ताकि इस केस को सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, मैं कल रात को पहुंच जाऊंगा। थैंक यू मिस्टर विक्रम, आपके आने से शायद बात बन जाए, उलझन मेरी कम हो, कोई हल निकल आए। आप पहचानते हैं सर? अगर मैं आ गया हूं तो राज फंस जाएगा, मुझे इसे पहचानने से इनकार करना ही होगा, करना ही होगा। जी नहीं, गौर से देखिए। जी नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा, शायद ये आपकी नजरों के सामने से गुजरी हो। जी नहीं। सॉरी इंस्पेक्टर, इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं, लाश को देखकर मुझे घबराहट हो रही है, मैं जान से चाहूंगा। देखिए, आई एम सॉरी। अच्छे अच्छे आकर यहां घबराते हैं लोग,
जो आपने फरमाया वो ही फरमाते हैं लोग। जब्बार हुसैन स्पीकिंग। व्हाट? वार्ड बॉय का खून हो गया और लड़की की लाश भी गायब है। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी पहुंचता हूं। कर सिंह, डॉक्टर वार्ड बॉय का खून कैसे हो गया? किसने किया इसका खून? अभी इस बात का पता तो नहीं चला है। हमने अपने वार्ड बॉय को बोला कि तुम लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आओ, और उसके बाद में हम अपने काम में बिजी हो गए और लौट के क्या देखा कि हमारा वार्ड बॉय मरा पड़ा है और लड़की की लाश गायब है। क्या क्या यहाँ कोई चौकीदार मौजूद नहीं था? चौकीदार तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ से ना कोई बाहर गया और ना ही कोई बाहर से अंदर आया। ताजुब है, फिर लाश कहाँ जा? डॉक्टर, इसके जिस्म पर किसी चोट का निशान तो है ही नहीं, सिर्फ इसकी आंखें फटी हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई होगी? खैर, इसकी पूरी जानकारी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पे ही मालूम पड़ेगी। ठीक है, मैं चलता हूं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद आप मुझे खबर कर दीजिएगा। ओके, मैं चलता हूं। ओके। न जाने कब जिंदगी पर मौत सवार हो जाए, तोड़ कर जिस्म से रिश्ता रूह फरार हो जाए। रात कली एक ख्वाब में आई। लिफ्ट, स्टॉप प्लीज। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे प्रेमनगर तक लिफ्ट देंगे? हाँ जरूर, आइए आइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक बात कहूँ? जी। तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? हाँ। हेलो, मैं पिंकी बोल रही हूँ। आवाज तो पहचान गए होगे राज। झूठ झूठ, तुम पिंकी हो ही नहीं सकती। तुम झूठ बोल रही हो, पिंकी तो मर चुकी है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, क्योंकि तुम खुद अपने हाथों से गड्ढा खोदकर मुझे जमीन के नीचे दफना चुके हो। हाँ हाँ, हम लोगों ने अपने हाथों से तुझे गाड़ा है, अपने हाथों से तुझे दफन किया है। तुमने मेरे जिस्म को दफन किया है,
राज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे दोस्त मेरी इज्जत लूटते रहे, मेरी अस्मत से खेलते रहे और मुझे मौत की नींद सुला दिया। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की राज, तुमने भी अपने दोस्तों का साथ दिया, उनके साथ मिलकर उनकी जबान बोलते रहे। तुम चाहते तो उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करके उन्हें सजा दिलवा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं गिन गिन कर बदला लूंगी। सचिन को तो मैंने फार्म हाउस पर ही मार दिया था और रंजीत को भी मार चुकी हूँ, तुम सबको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन लेकिन मैंने ना तो तुम्हारी इज्जत लूटी है और ना ही तुम्हें मारा है, फिर तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? क्योंकि तुमने उनका साथ दिया है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। 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 एक बात कहूं? कहो। मेरी मरहूम दादी खड़क सिंह, फिर वही मरहूम दादी। हुजूर, बड़े काम की बात है, पूरी बात तो सुन लीजिए। पको। हुजूर, मेरी मरहूम दादी कहती थी, जब कोई अनोखी और उलझी बात होने लगी इस तरह की, तो वहां कोई जरूर आत्मा का चक्कर हो सकता है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हुजूर, एक बात और याद आई मुझे। खड़क सिंह, तुम अपनी बात कह सकते हो, मगर अपनी मरहूम दादी को बीच में मत लाना। हुजूर, इस केस के बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। उन चारों लड़कों में से एक लड़के को मैं भी जानता हूँ। अच्छा, कौन है वो? दिनेश चौधरी जनक सिंह का बेटा। दिनेश चौधरी जनक सिंह का बेटा? बेवकूफ, उसे तो मैं भी जानता हूँ। धीरे धीरे बात समझ में आ रही है, राज के घर का पता बता रही है। यस, एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है और रात भी बहुत हो चुकी है और बारिश भी बहुत हो रही है, क्या एक रात के लिए यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल सकती है? नॉट बैड। हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। थैंक यू। इसे आप अपना ही घर समझिए, आइए। कौन है तुम? कुछ ज्यादा न कमीने की मैं कौन हूँ? मैं पिंकी की आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, 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 नहीं छोड़ो पिंकी, पिंकी। आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? उस दिन मैं तो बहुत चीखी चिल्लाई थी, उस वक्त तुमने मुझ पर रहम नहीं किया था, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नहीं, नहीं, एक बार मुझे माफ कर दो पिंकी। नहीं, नहीं पिंकी, आगे बताओ पिंकी। नहीं, मुझे छोड़ो पिंकी। पिंकी, नहीं, 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 पिंकी, पिंकी छोड़ो। नहीं पिंकी, पिंकी नहीं, नहीं पिंकी, एक बार छोड़ दो पिंकी। नहीं पिंकी। खड़क सिंह, जल्दी आओ। जी हुजूर। सोचा था इससे मिलकर इस केस के बारे में मालूमात हासिल करूंगा, लेकिन अफसोस ये भी मर गया। हुजूर, मेरी मरहूम दादी कहती थी। खड़क सिंह। जी हुजूर। ये वक्त फालतू बातों का नहीं है। जी
जाओ जाके लाश के पोस्टमार्टम का इंतजाम। जी हुजूर, अभी जाता हूँ। हमसे पहले इसकी मौत यहाँ आ गई, बयां करने से पहले दास्तां सुना गई। क्या बात है राज, तुम इतने परेशान क्यों हो? भैया, सचिन, रंजीत और दिनेश तीनों का कत्ल हो चुका है और पिंकी की आत्मा ने मुझे भी धमकी दी है, वो मेरा भी कत्ल कर देगी। भैया, मैं भी अब नहीं बचूंगा। बचने का रास्ता है राज, बचने का रास्ता है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो कैसे भैया? मैं तुम्हारी शादी का जल्दी बंदोबस्त करता हूं। तुम बहू को लेकर फौरन हिंदुस्तान के बाहर चले जाओ, फिर वहां पिंकी की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आइंदा अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगा। भैया, मैं आपकी कसम खाता हूं आगे कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। हेलो, हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा कत्ल होने वाला है इंस्पेक्टर साहब। क्या, कौन है आप, कहां से बोल रहे हैं? सब, मैं विक्की बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये पितामह रोड कमला नगर लक्ष्मी बंगलो के यहाँ से बोल रहा हूँ साहब। वो कौन है जो आपका खून करना चाहता है, क्या नाम है उसका? उसका नाम हेलो 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 पुलिस को बुला रहा है विकी, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पिंकी की आत्मा हूँ विकी। विकी, आज तू कितनी भी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन तू जिंदा नहीं बच सकता मेरे हाथों से, जिंदा नहीं बच सकता। लो, ये भी खत्म हो गया। ये हमें कातिल के बारे में बताने वाला था। खड़क सिंह। जी हुजूर। लाश के पोस्टमार्टम का इंतजाम करो। जी हुजूर। हुजूर, मैं एक बात कहूँ आपसे? कहो। हुजूर, मेरी मरहूम दादी कहती थी। खामोश। तुम्हारी दादी क्या कहा करती थी ये हमें नहीं जानना है। जी, अभी जितना कहा है उतना करो। जी, अभी करता हूँ। लो, खत्म हो गई एक और कड़ी आज, दफन हुआ सीने में खुलने वाला राज। हेलो, तुम्हारी शतरंज की चाल का आखिरी मोहरा भी खत्म हो गया और हमारे डील के हिसाब से मैंने और मेरे दो साथियों ने तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम्हारा काम पूरा कर दिया। अब बोलो, पैसे किस सूरत में और कहाँ मिलेंगे? अगर मैं पैसे देने से इनकार कर दूं तो? क्या तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा अगला कदम क्या होगा? ओ, तो तुम पुलिस की बात कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था डार्लिंग, तुम्हारे पैसे तुम्हें दो दिन बाद मिल जाएंगे। तुम जानते हो मैं वादे की बड़ी पक्की हूँ, अगर दो दिन में पैसे नहीं मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। भैया, क्या बात है राज,
तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? भैया कल विक्की भी मारा गया और लगता है अब मेरा ही नंबर है। मैं शादी करके लंदन ही जा सकूंगा भैया। पिंकी मुझे मार डालेगी भैया, वो मुझे मार डालेगी। नहीं राज, नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी भी होगी और तुम लंदन भी जाओगे। मैं आज ही तुम्हारे लिए तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ, वो तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चमुंडा चमुंडा बोल, चमुंडा 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 बोल। बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ बाबा। और मुसीबत में डालने वाला तुम्हारा भाई है डालेगी। नहीं बाबा नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर। ठीक है मैं दे दिया। मैं जानता हूँ बाबा, मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई की जिंदगी को बचाने के लिए किया बाबा। पर झूठ बोलने के बावजूद भी आज मेरे भाई की जिंदगी मौत के कगार पर खड़ी है बाबा। उसे बचा लीजिए बाबा, उसे भरती है बाबा। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं बाबा। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें दो तावीज देता हूं, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे भाई के लिए। ये दोनों तावीज तुम दोनों के गले में हर वक्त पड़े रहेंगे। जब तक ये तावीज तुम्हारे गले में रहेंगे तब तक पिंकी की आत्मा तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। ये लो मुंडा। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। तुमने सोचा तांत्रिक की मदद लेकर तुम बच जाओगे। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये ताबीज भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा राज। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा पीछा करना छोड़ दो। अगर उस वक्त मैं होश में होता तो वो चारों ना तुम्हारी इज्जत टूटती ना तुम्हें जान से मारते। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई है पिंकी, अब मुझे सजा मत दो। अब इस तरह की फिजूल बातें करने से कोई फायदा नहीं। मेरी आत्मा को उसी वक्त चैन मिलेगा जब मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। मरोगे राज, तुम राज, राज, क्या बात है? तुम इतनी जोर से चीख क्यों रहे हो? भैया भैया, वो पिंकी मुझे मार रही है। पिंकी? कहाँ है पिंकी? अभी अभी एक उसकी आवाज थी, वो कह रही थी ये ताबीज भी मुझे नहीं बचा सकता। यहाँ तो कोई भी नहीं है। राज राज सुनो, तुम आराम से सो जाओ। देखो तुम्हें तुम्हें पिंकी की आत्मा का वहम बैठ गया है, समझे? अब जो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे तो पिंकी की आत्मा तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, समझे तुम? जाओ 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 जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो सुमन, लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में मुझे ये लिबास पसंद नहीं। मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक ही मैंने ये लिबास पहन रखा है।
लेकिन आप मेरे पति हैं, जिस रूप में आप मुझे देखना पसंद करेंगे मैं वही करूंगी। वाह, जोर से चुप गया मुझे, उतारो इसे। नहीं सुमन, इसे मत उतारना। क्यों, ऐसी क्या बात है इस ताबीज में? वो क्या है सुमन, बात कुछ ये है कि कुछ दिन पहले मैं और मेरे चार दोस्त और मेरे भैया के दोस्त की लड़की पिंकी, हम लोग पिकनिक पर, वहां पे मेरे चार दोस्तों ने पिंकी का रेप किया
और उसे मार डाला। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन उस आत्मा ने मेरे चार दोस्तों से बदला लिया और उन्हें मार डाला। अब वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझे भी मार डालना चाहती है। उसी आत्मा से बचने के लिए मेरे भैया ने तांत्रिक बाबा से ये ताबीज लेकर मेरे गले में डाला है। राज, मैंने कभी भी तुम्हें अपने से एक पल के लिए भी अलग होने नहीं दिया, और आज लंबे वक्त के लिए तुम मुझसे जुदा हो रहे हो। देखो, जाते ही फोन करना। भैया, मुझे भी आपसे जुदा होते हुए बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने आपको बहुत तंग किया, बहुत सताया आपको। हे, रोते नहीं, रोते नहीं, खुश रहो। चल, देर हो जाएगी, गाड़ी में बैठो, लाइट का वक्त भी हो रहा है। ड्राइवर जी मालिक, जाओ जाके ड्रम हटाओ। जी मालिक। अब जाकर उसकी हेल्प कीजिए ना, कहीं ऐसा ना हो इस ड्रम के चक्कर में हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। हाँ साहब, आया। हकीकत मिट गया फसाना। क्यों विक्रम सिंह, कैसा लगा निशाने पर निशाना? ये क्या है भैया? आप? हाँ, तुम्हारे भैया ठाकुर विक्रम सिंह। दरअसल सुमन इनके शतरंज का आखिरी मोहरा थी, जिसके साथ तुम्हारी शादी कराने के बाद ये तुम्हें उसके हाथों मरवा डालना चाहते थे। लेकिन साथ ही इनके दिल में एक डर भी था कि शायद सुमन एक भारतीय नारी होने के नाते इस काम को अंजाम न दे सके, और यही हुआ भी।
इसके बाद मजबूरन तुम्हें मारने के लिए इन्हें खुद यहां आना पड़ा। हाँ, जिस तरह से राज को मारने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ा, उसी तरह मुझे अपना फर्ज निभाने के लिए यहां आना पड़ा। ठाकुर विक्रम सिंह, अब तुम खुद अपना हाथ आगे बढ़ाओगे या मैं तुम्हें जबरदस्ती हथकड़ी पहनाऊं? इंस्पेक्टर, तुम क्या मुझे हथकड़ी पहनाओगे? भगो मत ठाकुर विक्रम सिंह, अब अपने गुनाहों की दास्तान तुम खुद अपने मुंह से सुनाओगे या मैं सुनाऊं तुम्हें? मेरे गुनाहों की दास्तान तुम सुनाओगे? जब मैंने कोई गुनाह किए ही नहीं तो दास्तान कहां से बन गई इंस्पेक्टर? हर मुजरिम पुलिस के सामने आने के बाद इसी तरह की बातें करता है। तुमने बहुत जल्द अपनी औकात दिखा दी विक्रम सिंह। राज के पिताजी ने तुम्हें अपने ड्राइवर का बेटा होने के बावजूद अपनी जायदाद का वारिस बनाया। राज के बालिग होने और उसकी शादी होने तक की जिम्मेदारी निभाने के बजाय तुमने अपनी नाजायज हरकतों को चालू रखा और राज को मरवाने के लिए अपने दोस्त की बेटी को अमेरिका से वापस बुलवा लिया ताकि वो राज की जान ले सके। लेकिन अफसोस, वो लड़की राज को प्यार करने लगी। इसके बाद तुमने राज के चारों दोस्तों को उसकी मौत के लिए राजी किया और उनके पिकनिक जाने का प्लान बनाया। हाँ हाँ, वो सारा प्लान मैंने ही बनाया था, लेकिन उन बेवकूफों ने शराब के नशे में मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। राज को खत्म करने के बजाय उन्होंने पिंकी को खत्म कर दिया और पुलिस के डर से मारे उसकी लाश को वहीं फार्म हाउस में जमीन के नीचे दफन कर दिया। मैंने उस बात का भी फायदा उठाया, उठाया उस बात का फायदा और पिंकी की लाश को कब्र से निकालकर उसकी जीप पर सुला दिया ताकि उनमें आत्माओं का दहशत फैल जाए। लेकिन मुझे कब्र से लाश निकालते वक्त सचिन ने देख लिया था और मुझे मजबूरन उसे भी खत्म करना पड़ा। और उन तीनों ने तुम्हें सचिन को मारते हुए देख लिया था। उसके बाद वो तीनों अपने किए हुए वादे से ज्यादा पैसा मांगने के लिए तुम्हारे पास आए थे। आए थे ना? हाँ, वो तीनों मेरे पास आए थे। विक्रम सिंह, आज हमें पैसों की जरूरत है, हम अपने पैसे लेने आए। पैसे? किस बात के पैसे? जिसकी जायदाद मुझे मिलना चाहिए थी उसे तो अभी तक तुम तीनों ने जिंदा छोड़ रखा। राज को तो हम कभी भी खत्म कर देंगे मिस्टर विक्रम सिंह। फिलहाल तो हम हमारे दोस्त सचिन की जान की कीमत मांगने आए हैं, जिसे तुमने, हाँ मिस्टर विक्रम सिंह, जिसे तुमने जान से मार डाला। मैंने सचिन को नहीं मारा, उसे तो पिंकी की आत्मा ने मारा है। आत्मा वात्मा की कहानी बच्चों को जाकर सुनाना विक्रम सिंह, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें अपनी आंखों के सामने सचिन का खून करते हुए देखा है। समझदारी इसी में है कि ईमानदारी से तुम हम लोगों को हमारे पैसे दे दो, क्योंकि इस गुनाह में हम और तुम बराबर के हिस्सेदार हैं मिस्टर विक्रम सिंह। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ना तुम पुलिस में जा सकते हो और ना हम, क्योंकि एक खून हमारे हाथों हुआ है और एक खून तुम्हारे हाथों, और जो खून तुम्हारे हाथ सचिन का हुआ है उसकी लाश हम खाई में फेंक चुके हैं। आपस में समझदारी कर रहे हो विक्रम सिंह, यही तुम्हारे लिए समझदारी की बात है। विक्रम सिंह, तुम कितने भी रूप बदल लो, लेकिन हम लोग तुमने जो हमसे वादा किया है उससे तुम्हें कभी बदलने नहीं देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था, पैसे तुम्हारे कहां भागे जा रहे हैं? तुम राज को मारने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम करता हूं। ठीक है, चलो। और तुमने उन्हें पैसे देने के बदले एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैंने उन तीनों को मौत के घाट नहीं उतारा इंस्पेक्टर, उन तीनों की जान तो पिंकी की आत्मा ने अलग अलग ढंग से अलग अलग रूप में ले ली। अच्छा, तो एक आत्मा ने तीन अलग अलग रूप धारण करके उन तीनों की जान ले ली,
उन तीनों ही रूपों को एक साथ देखना चाहोगे विक्रम सिंह? उधर देखो। सब लोग लाइन से खड़े रहना, कोई हिलना नहीं। अब उनका साथ सामने खड़ा है। याद है विक्रम सिंह, हमने तुमसे फोन पर क्या कहा था? हम वादे के बड़े पक्के निकले। तुमने तो अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन हमने अपना वादा निभा दिया। लिया विक्रम सिंह, यह अभी और कुछ सुनना बाकी है। अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि पिंकी की लाश को अस्पताल से गायब करके तुमने उसे कहां और किस जमीन के नीचे दफना दिया है? ये सब झूठ है। ये सब सच है विक्रम सिंह। जब हम पुलिस वालों ने तुम्हारी बिछाई हुई शतरंज से तुम्हारे ही मोहरे चुन लिए, तो फिर पिंकी की लाश का पता लगाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। करण सिंह जी, जाओ जाके देखो हमारे आदमियों ने पिंकी की लाश को बाहर निकाला है कि नहीं। जी हुजूर। ए, चलो चलो सब चलो बैठो चलो बैठो बैठो। क्या भैया ये सब सच है कि आपने मेरी दौलत की खातिर ये सब किया? अरे मुझसे एक बार कहा होता भैया, मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम कर देता। मैंने तो आपको आपको अपने भाई से ज्यादा समझा था, अपना माँ बाप सब कुछ समझा था। अगर मुझको इस तरह मारना ही था तो वो तावीज, वो तांत्रिक, वो सब क्या था? वो तावीज, वो तांत्रिक, वो सब नाटक था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। और हाँ, तुमने वार्ड बॉय का खून किस तरह से किया? वार्ड बॉय को मैंने ज्यादा ही शराब पिलवा दी थी। शराब के नशे में उसे पिंकी की लाश में आत्मा नजर आने लगी। वो डर के भागने लगा, मैंने मौका देखते ही उसका भी खून कर दिया। और वो चीखने चिल्लाने की आवाजें, वो शोर, वो सब कुछ क्या था? फार्म हाउस से लेकर हर जगह लोगों के दिलों में आत्मा की दहशत फैलाने के लिए मैंने टेप रिकॉर्डर का सहारा लिया था। हुजूर, पिंकी की लाश मिल गई। हुजूर। अच्छा जी, चलो विक्रम सिंह, कम ऑन। बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जिंदगी भर मैं दौलत से प्यार करता रहा, दौलत के नशे में मैं अंधा हो गया था बेटी, इसलिए मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर देना बेटी। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हारा कानून जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। लाख छुपाए अपने जुर्म गुनहगार, ढूंढ लेता है कानून उसे और करता है गिरफ्तार। मुझे माफ कर दो बेटी, भैया को तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका मिल गया, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर तकदीर ने साथ दिया तो अगले जन्म में तुम्हें ढेर सारा प्यार देकर मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करूंगा। देखिए, ये मैं वादा करता हूं। तुम लोगों का कहना है कि जब जुर्म खत्म हो जाता है हम लोग तभी आते हैं, हमेशा लेट होते हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाला है ना, नीली छतरी वाला, इसका फैसला तो कमाल है। ये कभी लेट नहीं होता, इसीलिए सब लोग इसके सामने सर झुकाते हैं। तू भी झुका, मैं भी सर झुकाता हूँ। तू यहाँ कैसे आई रे? यार किसके लिए रे? तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो डालना। क्या बोलती तू? क्या बोलूं मैं? चलती क्या खंडाला? चलो।